छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा से हमा गांव से बारात लौट कर आ रही थी, तभी बस हमा गांव पहुंचकर बाएं मोड़ने के चक्कर में पलट गई। जानकारी देते हुए एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि तेज रफ्तार होने के कारण ड्राइवर ने अचानक बाएं मोड़ दी, जिस वजह से बस पलट गई। बस में बैठे दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और 30 से 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं पर एसपी सचिन शर्मा ने कहा कि जो भी इसमें जिम्मेदार है उन पर कार्यवाही की जाएगी। अभी जांच चल रही है, एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है और जांच में जुटी है। तो जिस बारात हमारे चाचा की लड़का की आई थी, क्या नाम था उनके पिताजी का? पूरा नहरवार। पूरा नहरवार। कहाँ गई थी बारात? यह गई थी बड़े मलहरा के पास ही में, गांव का नाम पता नहीं है। बड़ा मलहरा के पास गई थी। वहाँ से कितने बजे निकले थे? वहाँ से निकले थे 8:30 बजे। 8 बजे निकले थे। कहाँ पे क्या हुआ था? गाड़ी वहाँ से हम लोग रोकते रहे, ड्राइवर कहा भाई गाड़ी मत चला, तुम बहुत तेज चलाया, तो उसने गाड़ी का ब्रेक मारा मोड़ने के लिए, गांव के लिए। हाँ। तो वो फिर गाड़ी तो सदी नहीं। हाँ। तो वो पेड़ से टकरा गई। हाँ। कितने लोग लगभग इसमें थे, बस में सवार हो? कितने लोग इसमें होगा? 70-80 आदमी होगा। अच्छा, कितने लोग घायल हुए? 10 घायल होगा। वैसे तो होगा 10 ठिकिया, तो घायल ज्यादा है। गंभीर कितने हैं? गंभीर ज्यादा 10 ठिकिया। आपको भी चोट आई है? हाँ, मेरे को भी चोट है। क्या लगता है, क्या मतलब कारण, मुक्त कारण क्या है, क्या कारण है? जल्दबाजी के चक्कर में। हाँ। चन्ना हैरवा। कौन है जी आपके पिताजी? क्या नाम है इनका? सुकुलू हैरवा। कहाँ पे क्या हुआ है? बड़े मलहरा से गांव आ रहे थे हमाम बाबा के घर। हाँ। मोड़ पे बस पलट गई। कहाँ पर? हमाम। क्या हुआ उनको? घायल हो गए? घायल हो गए। कितने लोग घायल होंगे लगभग? कम से कम 50 से कम तो भाई ना हुई है। अब बता, कैसे बस पलटी है? पता नहीं, मूड में तेज तीख आती, हम तो वहाँ पे हटे नहीं, हम तो इन्हें उठाओ, हम आ गए अस्पताल, अब इलाज करा रहे हैं। इलाज छतरपुर जिले के थाना ओरछा रोड अंतर्गत ग्राम हमा है, जहाँ पे एक बारात बस में बड़ा मलहरा से हमा की तरफ आ रही थी। ये मेन रोड है जो गड़ी मलहरा और महोबा की तरफ जाता है। यहाँ पे जैसे ही जो बराती थे उन्होंने अपने गांव की तरफ बाई मुड़ने को बोला, एकदम से इमरजेंसी ब्रेक्स लगाए गए, जिसके कारण बस स्किड हुई और एकदम से पलट गई। यहाँ पे जो मेडिकल टीम्स थी और जो पुलिस थी वो तुरंत पहुँची है। 9 बजे की घटना है और अभी लोग जितने भी घायल थे उन सभी को जिला अस्पताल पहुँचा दिया गया है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त है उसमें 2 लोग भी थोड़ा सा फंस गए थे, वो थोड़ा क्रिटिकल है, और 13-14 लोगों के थोड़ी सी चोटें हैं, पर हमें उम्मीद है कोई जान माल की जो हानि है वो नहीं होगी। और हमारा ये प्रयास है कि जो यथावत इसमें विधि सम्मत कार्रवाई वो तो करेंगे, पर ये ईश्वर से प्रार्थना है कि किसी प्रकार की किसी को हानि या खासकर जो जान माल को नुकसान है वो ना हो। मौका पर अभी कोई डेथ नहीं हुई है, सबको पल्स चेक की गई थी और अस्पताल में भी सब ब्रॉट अलाइव थे, सबको तुरंत जो क्रिटिकल केयर होता है वो दिया गया। सर, बस में आग लगने की बात भी सामने आई थी, क्या इसमें क्या? ये बस में जो मैकेनिकल इश्यूज है या फिर आग लगने की जो बात है वो जांच का विषय है। अभी तक की जो स्थिति है वो सबके सामने है। ये हमारे बाईं तरफ जो है गांव हमा है, ये बारात जो है लगभग अपने जो गंतव्य स्थल है जहाँ उसको पहुँचना था वहाँ वो पहुँच चुकी थी, और जैसे ही इमरजेंसी ब्रेक लगाए हैं सामने स्किड मार्क सभी को दिख रहे हैं, उसके बाद वो पलटी है। और ये अच्छी बात है कि तुरंत यहाँ पे जो मेडिकल टीम्स हैं वो आई और जो रेस्क्यू प्लान था उसको अभी तक सक्सेसफुल उन्होंने बनाया। सर, गांव वाले बता रहे हैं कि बस की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, बड़ा मलहरा से 45 मिनट में बस छतरपुर आ गई है, जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं, देखने वाले। और अगर ये सही है तो क्या इसके ड्राइवर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई की जाए? इसमें सामान्य तौर पे साक्ष्य सामने ही प्रमाणित है, ये जो स्किड मार्क्स हैं वो जांच का विषय होता है, इनके फोटोग्राफ्स वगैरह लिए गए हैं, एफएसएल इसमें जांच कराई जाएगी और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है, वैसे तो अभी तक मुझे उम्मीद है कि तुरंत यहाँ पे मेडिकल टीम्स आई, सभी एम्बुलेंसेस आई और जो क्रिटिकल केयर है वो दिया जा रहा है, और मुझे उम्मीद है किसी प्रकार की जान माल का नुकसान नहीं। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।